मैं आ गई हूँ आरजेडी साहब, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी मर्जी से यहाँ आई हूँ। मुझे यहाँ मेरी मजबूरी लाई है। पति पत्नी के लिए भगवान होता है और मैं अपने पति के लिए कोई भी कुर्बानी देने की तैयार हूँ। बोलो, उन्हें छोड़ने का क्या लोगे? बोलो, जवाब दो। तुम्हारा ईमान धर्म तो बिजनेस है ना? बोलो, क्या उतारूं? ये कंगन, ये मंगलसूत्र, या फिर ये? तुम क्या समझती हो, मुझे तुम्हारे जिस्म की जरूरत है? तुम्हारे शरीर की भूख है मुझे? मैंने कभी तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारी आत्मा से प्यार किया था, लेकिन तुमने मेरी कद्र नहीं की, मेरा इंतजार नहीं किया, मुझे किसी गुजरे हुए वक्त की तरह भुलाकर किसी और का हाथ थाम लिया। प्यार हम दोनों ने किया, मगर तड़पना सिर्फ मेरे नसीब में आया। मेरा तुम्हारा नाता तो उसी दिन टूट गया जिस दिन तुम्हारी शादी हुई। मैं उस दिन तुम्हारे घर अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए नहीं गया था, अपने दर्द अपनी तड़प का हिसाब मांगने के लिए नहीं गया था, बल्कि उस रात पार्टी में उस गलती की माफी मांगने के लिए गया था जो तुम्हारी जुदाई तुम्हारे शोक में चोट खाए मेरे दिल के हाथ हो गई। लेकिन तुमने मेरे जज्बात को नहीं समझा, मुझे कोई गिरा हुआ या घटिया आदमी समझ के धिक्कार दिया। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो बदला लेने के लिए नहीं किया, बल्कि तुम्हें इस बात का एहसास दिलाने के लिए किया कि तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है, मेरे मन में कोई खोट कोई पाप नहीं है। मोहब्बत का दर्द बड़ा जानलेवा होता है मनीषा जी। मैंने तो तुम्हें माफ किया, मगर कभी दोबारा इंसान का जन्म मिले तो मोहब्बत जरा सोच समझ कीजिएगा।